आइडिया। और ठंड के मौसम में बुजुर्गों को तकलीफ तो हो ही जाती है ना भाभी जी। हाँ तिवारी जी, मैं मानती हूँ कि शीतलहर से बुजुर्गों को तकलीफ तो हो जाती है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानती हूँ जो -15 डिग्री -10 डिग्री टेम्परेचर में हिमालय में पिछले 15 सालों से बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। ओह माय गॉड यार अनु, ये तो क्या बोल रही है। अरे यार -15 डिग्री पे कोई बूढ़ा आदमी बिना कपड़ों के हिमालय पर रहता है? आई कांट बिलीव दिस यार, वो ना इंसान नहीं होगा, पक्का कोई भूत वूत होगा। क्यों अनुराग? नहीं नहीं मिनल, वो कौन भूत भूत नहीं है, हम जानते हैं उनको, वो ना भरभूति जी के डैडू हैं। बिल्कुल सही कह रही है अंगूरी जी, वो विभू के डैडी मतलब मेरे ससुर जी हैं। क्या? हाँ वो हमने भी सुना है, देखा नहीं है, लेकिन भाभी जी और भरभूति जी के मुंह से कई बार सुना है। हाँ हम आपको बताते हैं ना, हमारे सामने तो भरभूति जी कई बार उनसे फोन पर बात भी किए हैं, और वही हमको बताए रहे कि वो ना फुल मॉन्टी में बिना कपड़ों के रहते हैं। माउंट एवरेस्ट तो पगली कुछ भी बोलती हो, सही पकड़े हैं, वहाँ रहते बिना कपड़ों के। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सच में। मीनल यकीन नहीं हो रहा ना तो विभू से खुद ही पूछ ले। ना बाबा ना, तेरा हस्बैंड ना सरफिर आए मुझसे झगड़ा करना शुरू कर देगा। तुम लोग बहुत झगड़ते हो। ये लिए भाई, आप लोगों के लिए स्पेशल गाजर का हलवा। क्या बात है, वाह भाभी जी। थैंक यू भरभूति जी। ये लीजिए आपके लिए। ओ लेडीज फर्स्ट, आप लीजिए। ये लीजिए। भाई वाह, गाजर का हलवा तो भरभूति जी ने वाकई बहुत कमाल का बनाया है। हाँ भरभूति जी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्वादिष्ट है, कहाँ बताएं हम। भाभी जी थैंक यू सो मच। अनु यार तू भी ले ना। नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली कई दिनों से ना मीठा बंद कर रखा है। भाभी जी हम नहीं चाहते कि आप इस मिठास से वंचित रहे। बेबी हैव अ बाइट, और अगर तुमने ये एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं मांगा तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। टेक अ बाइट। अच्छा चलो, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो खा लेती हूँ। इट्स यम, सच में बहुत टेस्टी बनाया विभू तुमने। एक्चुअली ये हमारी खानदानी रेसिपी है, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने इजाद की थी, इट वाज हिज रेसिपी। यार विभू तुम मुझे भी बताओ ना प्लीज ये रेसिपी, प्लीज यार। एक्सक्यूज मी, हमारे खानदान में रेसिपी 4 लोगों के पास है। मेरे ग्रैंडफादर के पास थी, मेरे फादर के पास है, यमुना बाई के पास, मेरे पास है। उस जमुना बाई। विभू यार तुम ना एक काम करो, तुम ना हलवा बेचना शुरू कर दो साइकिल पर, देखना बहुत कमाई होगी सच्ची। तुम अपने इस फालतू के आइडिया की बनाओ बत्ती और अपने पति की पिछली जेब में डाल दो। लो भाई, इनके फायदे की बात कर रही हूँ मैं और इन्हें फालतू के आइडियाज लग रहे हैं। काम की बात भभूति जी को भी समझ में नहीं आती, ये काम की बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं। अरे हाँ, तो पैदाइशी नल्ले हैं। सोचो यार, अनुराग ना विभू के पीछे बैठता था। काहे काहे पीछे काहे बैठते थे? अरे एग्जाम में अनुराग विभू को टीपता था। देखो अनुराग कहां से कहां पहुंच गया और विभू नल्ला का नल्ला रह गया। क्यों अनुराग? आज उत्तर प्रदेश में ठंड ने 30 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शीतलहर ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परकम फहरा दिया है, अपने चपेट में पूरे उत्तर प्रदेश को ले लिया है। मम्मी, अबे कोई चपेटे में आए ना आए, तू चपेटे में आ चुका है, चुप रहा अभी। जब भी दादा कमबख्त बुरी खबर लेके आता है। वो? क्या बात है यार, तुम तो ऊपर आ गए, पता ही नहीं चला। हाँ कितना हंसी मजाक चल रहा था वहां पर। मजाक चल रहा था या सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था?
ओफो, तुम इस बात पे बुरा मान गए? क्यों, सेलिब्रेट करो इस बात को। वो इतना बुरा मान गए, इतना बुरा मान गए। अच्छा चलो ठीक है, सॉरी, मैंने इंटेंशनली थोड़ी ना किया था। देखो वो क्या हुआ कि बात से बात निकली, फिर बात से बात निकली और मुंह से बात निकल गई। अपने उस छेड़छाड़ी फ्रेंड से कह देना कि आइंदा से मुझसे ऐसा भद्दा मजाक ना करे, वरना मैं उस मुटल्ली और उसके हस्बैंड मुटल्ले को, दोनों को कानपुर में फेमस कर दूंगा, मुटल्ला मुटल्ली, समझे ना। तिवारी जी के बच्चे को तो मैं देख लूंगा, कच्चे फाड़ दूंगा साधने का तुम्हें। क्या है विभू, चिल, रिलैक्स, कोई बात नहीं, छोटा सा मजाक था। देखो तुम भी तो मुझे कितनी बार छिला हुआ अंडा कहते हो, मैं कितना स्पॉटिंगली लेती हूँ, मैं तो कभी बुरा नहीं मानती। कभी बुरा नहीं मानती, इस बात पे तुमने कितनी बार मुझे घर से बाहर निकाला है, हाउ मेनी टाइम्स, यू रिमेम्बर? अच्छा, ओ तो फिर तुम भी मुझे घर से बाहर निकाल दो। हमारी क्या औकात की हम आपको घर से बाहर निकालें। आप तो अल्टीमेट हैं, हम इस घर के नल्ले हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब भूल जाओ, छोड़ो इस बात को, अच्छी बातें याद रखो। क्या अच्छी बात याद रखो, क्या अच्छी बात करती हो? अच्छी बात तो ये है विभू कि आज तुमने क्या गाजर का हलवा बनाया था विभू, सब लोग अपनी उंगलियां चाट रहे थे, इट वाज सो यम्मी। यू नो दिस इज आवर फैमिली रेसिपी, ये हमारी फैमिली रेसिपी है। अच्छा, मैंने अपने दादाजी के गुद्दी पे चाकू रख के रेसिपी छीनी थी उनसे, मालूम है, ही वाज सो पजेसिव अबाउट द रेसिपी। अच्छा, ये हमारी फैमिली रेसिपी है। चलो फिर तुम्हारे दादाजी को थैंक्स। पर विभू पता है, मीनल ने ना बहुत अच्छा एक आइडिया दिया। मीनल से बोलो अपने आइडिया की बनाए बत्ती और अपने हस्बैंड की पिछली जेब में डाल दे। यार पूरी बात तो सुनो, हमारे फायदे की बात है। हमारे फायदे की बात है, क्या फायदे की बात है? विभू सोचो, अगर हम एक हलवे की शॉप खोल दे, इसी गाजर के हलवे की शॉप, विभू मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ हम शायद करोड़पति बन जाएंगे, ये गाजर के हलवे की शॉप हिट हो जाएगी, हलवा इतना टेस्टी है। You think so? तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, खोल लेते हैं दुकान। That's the spirit. पर अगर मैं सोचती हूँ कि इस ब्रांड का नाम क्या रखना चाहिए। हर चीज तो तुम्हारे नाम से, बिजली का बिल तुम्हारे नाम से आता, टेलीफोन बिल तुम्हारे नाम से आता, गैस का बिल तुम्हारे नाम से आता, ये भी अपने नाम से रख लो, अनीता का हलवा। ये क्या चीप बात कह रहे हो, ये क्या चीप नाम है, अनीता का हलवा। कुछ भी कहते हो, तुम ही बताओ क्या करें। यार कुछ अजीब और गरीब नाम होना चाहिए, बिजनेस कहता है, ब्रांड का नाम भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना ब्रांड की क्वालिटी, क्योंकि पब्लिक तो ब्रांड का नाम सुनकर ही आती है ना। हाँ दैट्स ट्रू, बट क्या नाम रख सकते हैं, यू सजेस्ट। आई गॉट इट, गॉट इट, बहुत अच्छा नाम आया। बताओ 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 बताओ, टेल मी, नल्ले का हलवा। इससे भी हमारे मजाक उड़ रहा है। पर तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो, इसमें क्या मजाक उड़ रहा है, बहुत अच्छा नाम है, नल्ले का हलवा। अब जैसे लखनऊ में टुंडे के कबाब फेमस हैं, वैसे ही देखना विभू, एक दिन नल्ले का हलवा बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, बहुत फेमस हो जाएगा। एक्चुअली इसमें एक रिकॉल वैल्यू है, यू नो, नल्ले में एक रिकॉल वैल्यू, बिकॉज़ पीपल डू कॉल मी नल्ला, सो एक्जेक्टली आई थिंक नल्ले का हलवा, नॉट बैड, नल्ले का हलवा। तोरे मस्त मस्त दोनैन हमरे दिल को ले गए चैन। भाभी जी गाना तो हमें गाना चाहिए, तेरे मस्त मस्त दोनैन मेरे दिल का ले गए चैन। ओके सिंबा, अभी मैं तो बहुत मजे में हूँ, लेकिन आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या खुशखबरी लाए हैं? बताइए कि आपको गाजर का हलवा कैसा लगा था? का बताएं भरभूति जी, का बताएं, आपके गाजर के हलवे का जो टेस्ट था ना, वो अभी तक हमरे मुंह में है। अबे ये टेस्ट तो आप हैं, वो टेस्ट करना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्वादिष्ट था। थैंक यू सो मच। अब भरभूति जी, एक तो ना अरी टेलीकास्ट है, अभी जो रिक्वेस्ट होता है। सही पकड़े हैं, हमको ना आपका वो जो हलवे का मिसिसिपी था ना, वो हमको दीजिए ना। भाभी जी आप मिसिसिपी बोल सकते हैं, लेकिन रेसिपी नहीं बोल सकते। पूछ क्या करती हैं आप, हमें बताएं। एनीवे आई लाइक इट, भाभी जी वो रेसिपी होता है।
सही पकड़े हैं हमको उका विधि बताइए ना आप काका डाले रहे कुकी बहुत ही अच्छा था हम भी उको बनाएंगे अभी आई एम सॉरी आई कांट टेल यू ये मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे रेसिपी दी थी और देते वक्त कहा था कि बेटा ये रेसिपी किसी को देना मत और ये कसम ली थी मुझसे अगर मैं रेसिपी किसी को दूंगा भाभी जी तो मैं मर जाऊंगा नहीं नहीं फिर नहीं चाहिए भाभी जी आप उदास मत होइए एक्चुअली क्या है कि मैं हलवे की दुकान खोल रहा हूँ गाजर के हलवे की दुकान और उसका नाम होगा नल्ले का हलवा हलवे का साहब और नाम तो नल्ले का हलवा ही तो बहुत ही जच रहा है आपको कहा है ना भरभूति जी कि हम सुबह शाम दिन रात आपका हलवा ही खाएंगे हाँ जी हम तो ये चाहते हैं कि आज हम निकलनी ताजी हरी सब्जी ले ले गाजर मटर टमाटर ले 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 आओ इधर आओ इधर आओ जी साहब गाजर कैसे दिए तुमने 100 रुपया किलो अबे लूटने निकला है क्या बे लूटे हुए को का लूटी सुन लिया मैंने तो का उखाड़ लोगे कोनो गलत बोलना है का अरे बकवास मत करो बताओ कितने में दोगे गाजर बता तो ना 100 रुपया किलो 20 किलो लूंगा बताओ कितना रेट दे रहे हो ठीक है 20 किलो लोगे घर की बात है 35 रुपया लगा देते हैं 25 देंगे देना दो वरना जाओ यहाँ खेत में अच्छा ठीक है आ जाओ मंडी तौले देते हैं चलो फूल गोभी मटर टमाटर ले लो आलू प्याज कांदा ले लो अरे यार पिछले 2-3 सालों से ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही है कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही है ना ये सब उम्र का असर है भैया मां साहब है ना बिल्कुल ठीक कह रहे प्रेम भाई अब आप बूढ़े हो चले हो अबे ओ बूढ़े होंगे मेरे दुश्मन मैं तो अभी जवान हूँ वैसे प्रेम भाई एक बात बोलूं हाँ बोल जवानी में ठंड ना लगे वैसे तो मैं एक काम करता हूँ तुम तीनों जवान हो ना तो तुम तीनों के कपड़े उतरवा के फिकवा देता हूँ और इस कॉलोनी का चक्कर लगवाता हूँ वो भी कच्चे बनियान में प्रेम भैया का बेकार की बात कर रहे आगे एक तो वैसे यहाँ पे हमारी हालत खराब है गई है अरे क्या हो गया लौंडे वो क्या मां साहब की ठंड में हम तीनों हैंडसम लौंडों को ना कब्ज आ जाती है हाँ ये है मां साहब की हम तीनों पिछले 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ना रिया क्या नहीं हो रहा है बे बस प्रेम भाई सुबह को उम्मीद के लोटे में पानी लेके जावे और ना उम्मीदी की गैस छोड़कर वापस आ जावे तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं माता हर जगह तुम अपने संस्कार घुसेड़ देते हो रिक्शा लेके आओ तेरे लिए क्या उठने के लिए बोझ हाँ प्यारेलाल यार मुझे तेरी ये चाय की टपरी चाहिए क्यों बे विभूति तू चाय की दुकान ले रहा है मतलब तू चाय बेचेगा छोटा आदमी है छोटी बात करेगा तो वैसे तू डायमंड का शोरूम खोलने वाला है ना हलवे की दुकान खोल रहा हूँ गाजर के हलवे की दुकान गाजर के हलवे की दुकान गाजर के हलवे की दुकान ओह गाजर के हलवे की दुकान ओह माय गॉड तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं तुम लोग इनका हौसला बढ़ाने के बजाय इनका मजाक उड़ा रहे हो उड़ाने दीजिए मास साहब इनको मेरा मजाक उड़ाने दीजिए मैं इन सबको जवाब दूंगा वक्त आने पर वो भी मुंह तोड़ वैसे तू इस दुकान का नाम क्या रखेगा अभी बोलिए नल्ले का हलवा नल्ले का हलवा नल्ले का हलवा माय गॉड
यार हलवो कैसे हो गो ये तो बताओ ना है। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, नल्ले को हलवो। क्या बात है, सारे बदतमीज एक ही जगह पे। आपकी कमी थी, आप भी आ गए। माफ कीजिएगा, हम आपकी श्रेणी में नहीं आते। हाँ, आप बहुत बड़े वालों की श्रेणी में आते हैं। बकवास करनी शुरू कर दी आपने। बकवास मैंने नहीं की, बकवास आपने शुरू की। खैर छोड़िए, सुनो बे, कल यानी 31 दिसंबर को हम अपने एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पार्टी? पार्टी? तुम्हारी जी, what a coincidence! मैं एक हलवे की दुकान खोल रहा हूँ, नल्ले का हलवा, और आप पार्टी रख रहे हैं, तो पार्टी में आपको स्वीडिश लगेगी, और स्वीडिश में अगर आप गाजर का हलवा रखें तो नथिंग लाइक इट, मौसम भी है, क्या बोलते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा? ऐसा हमें नल्ले शब्द से सख्त नफरत है, अब चाहे वो हलवा हो या हलवे वाला हो। हलवा हो या हलवे वाला। क्या बात कर रही हो भूरी? हाँ, तुमको सिंगापुर जा रही हो? हाँ, तुम्हारे पति तुमको सिंगापुर ले जा रहा है घुमाने के लिए। हाय दिया, हम तो सुने हैं कि सिंगापुर ना बहुत ही सुंदर शहर है। नहीं ना, हम कहाँ देखे हैं भूरी, हम तो टीवी पर देखे हैं। कहाँ? तुम्हारे जीजा जी? अरे वो तो पूछो ना ही, हमको कानपुर तो घुमाने ले जाते ना ही हैं, सिंगापुर तो बहुत दूर का बात है। हाँ, लेकिन हम कहाँ बोल रहे हैं, वहाँ ना अब बहुत ठंड पड़ता है, गर्म कपड़े लेकर जाना और हमको कॉल करना। हाँ हाँ, ठीक बा, बाय बाय, बहुत खुश है तुम्हारे लिए। जरूर भूरी से बात चल रही होगी, है ना? सही पकड़े हैं। आपको पता है उसका पति ना उसको सिंगापुर ले जा रहा है घुमाने के लिए। सिंगापुर कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं, वो नए साल के सेपरेशन के लिए जा रहे हैं। अरे यार कुछ भी बोलती है, सेपरेशन नहीं सेलिब्रेशन होता है। सही पकड़े हैं। नया साल हुआ, मनाएंगे, कितना मजा आएगा उनको। ये भूरी के पति ने जूस के बिजनेस से इतना पैसा कमा लिया। आपसे तो कम ही कमाता है, लेकिन भूरी को कितना घुमाता है वो। शेरनी के मुंह में खून लगा रहा है। आप कब बोले? हमने कहा तुमको भी हम ले चलेंगे सिंगापुर। क्या बात कर रहे हैं, पार्किंग करेगा अगले साल? वो तो जाने से रहे। जड़ाए मर गए भैया। सर्दी के मौसम में ये कब्ज क्यों है जाती है यार, जम जाते हो सारो माल अंदर। वो क्या है ना प्यारे, कि ठंड में आदमी के जितने भी पुर्जे हुए हैं ना, वो सब के सब सुकड़ जावे। टिल्लू एकदम सही कह रहे हो यार, यार इतनी ठंड में ना हाथ पैर अकड़ जाते हैं, तो भैया सोच कर देखो अंदरूनी अंगों का क्या हाल हो तो होगो यार। कमाल के आदमी हो तुम यार, इतनी भयंकर शीतलहर चल रही है और तुम मतलब यहाँ पर क्या करके रहे हो? हड्डी गला देने वाली, मौत बरसाने वाली शीतलहर के समंदर में गोते लगाना मुझे बहुत पसंद है लौंडो। आई लाइक इट। वैसे तुम लोगों की जो ये हालत है, इसके ऊपर मैंने एक शेर लिखा है। शेर कुछ यूं है कि साफ कहती तेरी ये शख्सियत है, शख्सियत में छिपी एक कब्जियत है। वाह सक्सेना जी, मेरी तरफ से भी अर्ज है। इरशाद इरशाद। कि बुजुर्गों से मिली ये मिल्कियत है, मेरी पहचान मेरी कब्जियत है। क्या बात है, मरहबा मरहबा। वाह 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 वाह, तकलिया तकलिया। सारो का चल लो भैया, वैसे अबर तीनों का तो दिमाग खराब है रहो है, अंदर पत्थर भरे हमारे, हालत खराब है रही है, परेशान चल रहे हैं, ऊपर से आप फालतू की बकवास कर रहे हो। अरे लौंडे, मैं परेशान करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम लोगों की जो बीमारी है उसका इलाज लेकर आया हूँ मैं।
ऐसा है लौंडो कि ये जो मेरे हाथ में है ना, ये है चमत्कार। इसके अंदर एक ऐसा सूप है जिसको कि तुम लोग जैसे ही पियोगे तुम्हारी कब्जियत यूं यूं मिनटों में गायब होगी और साथ में तुम्हारे बदन के अंदर इतनी गर्मी भर जाएगी कि तुम सोच नहीं सकते। अरे मोरी भैया, अरे वाह भैया, यार कुछ लग रहा हो अंदर, मजा होगा भैया। बहुत टेस्टी सूप है कुछ। ऐसा सूप जिंदगी में ना पिया। जे बताओ कि लजीज सूप है किस चीज का? सांड के गोबर का। वैसे तुम लोग मेरे मुंह पे भी उल्टी कर सकते थे। आई लाइक इट।